सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छी जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को फील करो, ना कि जिंदगी के साथ डील करो। खुद को माचिस की तीली ना बनाओ कि थोड़ा सा संघर्ष से आप सुलग जाओ, पर खुद को वो शांत सरोवर बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद बुझ जाए। जिंदा रहो जब तक, लोग कमियां ही निकालते हैं, मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। आज का पंचांग 16 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, शाम 6:11 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 11:16 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:35 से 3:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:36 से 12:27 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। तुला राशि 16 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार, आप सेहत और व्यक्तिगत जीवन में हानि का सामना करेंगे। बुराइयों या जोखिम भरे यौन संबंधों के प्रलोभन से बचते हुए इस लाभ के लिए समय निकालें। धन मिलेगा बचत और निवेश के लिए विकल्पों को खोजें। यह आसान चरण सावधानी से काम करेंगे और साहस का पालन करने के लिए शानदार है। घरेलू जिंदगी में कोई समस्या आ सकती किंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज आप आराम सुरक्षा और स्नेह की इच्छा रखते हैं। अपने प्रियजनों को समझें और अपने अनुभवों को शेयर करें। ध्यान रखिए कि लोग आपसे केवल आपकी सच्ची सलाह चाहते हैं और अपने अनुभव बांटकर आप अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं। कार्य में तरक्की मिलेगी और रुके हुए योजनाएं चालू हो जाएगी, परंतु आपको इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका अधिक मन लगेगा और कहीं दान भी करेंगे। परोपकार के कार्यों में समय और धन लगाएंगे तथा पिता से संबंधों में मजबूती आएगी। आज आपके लिए महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारी का समय है। शांत रहने और खुद को गति देने का दिन है, क्योंकि आप लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस परिश्रम का आज आपको काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। आपके लिए आज दिन बहुत कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। आप विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिशों को सही अंजाम दे सकते हैं। सावधानियां, आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा जो आपके जीवन साथी को हैरान कर सकता है। समय मानसिक चिंताओं में वृद्धि करने का होगा और उसके साथ साथ आपके आमदनी में भी गिरावट आ सकती है। लव लाइफ की बात करें तो किसी करीबी की बीमारी, दुर्घटना इत्यादि आपको झटका दे सकती है। साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, मुद्दे को शांति और नम्रता से सुलझाएं। लव रिलेशनशिप में यह बात भी मायने रखती है कि आप अपने प्यार का एहसास अपने पार्टनर को कैसे कराते हैं। आपकी निजी जिंदगी थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है। आप घर में शांति और सुरक्षा चाहते हैं और इसके लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपका साथी आपकी मदद कर सकता है। अपने फैसले को उस पर ना थोपें बल्कि दोनों मिलकर निर्णय लें। इससे न केवल आपकी समस्या दूर होगी बल्कि प्यार भी बढ़ेगा। करियर की बात करें तो प्राप्त हुई अनर्जित आय आपकी इच्छाएं पूरी करने में आपके काम आएगी। किसी दुख या झटके से आप उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन तैयार हो जाएं क्योंकि अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। एक ही काम में अपना समय व्यर्थ ना करें और अपने काम को एंजॉय करें। आज आपका पूरा ध्यान नए विचारों और रणनीतियों को लागू करने की तरफ है। सेहत की बात करें तो आज आपको अपनी आँखों का ज्यादा ध्यान रखना होगा।
ज्यादा देर तक मोबाइल ना चलाएं, ना कि कंप्यूटर पर बैठे रहें, वरना आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। आपको सिर दर्द हो सकता है और यह बढ़ भी सकता है। आप अपनी आंखों का जल्दी चेकअप कराएं। आज का उपाय, आज आप तुलसी पर जल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।